इनको यही खाने दूंगी। उठकर ये दोनों मील्स हो गई। साइड कल मैंने आलू बीन्स की भाजी भी बना के रखी है, भी ठीक लग रहा है तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा दाल भी बिठा दे रही। भगवान अगर दर्द देता भी है तो उसको सहने की शक्ति जो है डबल मुझे दे दे। लेकिन पता है मैं इस बारी थोड़ी सी प्री प्रिपेयर्ड हूँ। एक विशेष सूचना, कल जो है मैं एक जगह जा रही हूँ। वही मैंने अर्लियर व्लॉग में बोला ना, एक जगह जा रही थी, तो अभी भी कुछ नहीं बोलती हूँ, जाती हूँ उस जगह में। पूजा पाठ सब हो गया, कॉफी पी लूँ, आप भी कॉफी वगैरह पी लीजिए और वेट करिए, माला आ रही है। ठीक है, हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ये देखिए, मैं तो यहाँ फिट एंड फाइन, बिल्कुल ऐसे ही। वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल लव एंड लाइफ विद माला। वही जगह, वही दिन, वही टाइम नहीं बोलूँगी, और मैं भी वही और काम भी वही करने आई हूँ। जी हाँ, कोविड का नेक्स्ट डोज, मेरा सेकेंड डोज लगाने आई हूँ। अभी चलते हैं अंदर, फॉर्म वगैरह भरते हैं, और जो कुछ सुबह बवंडर की तरह घर पे हुआ तब तक आप वो देखिए, फिर मैं फॉर्म के साथ आपको मिलती हूँ। तो घर का बवंडर आपने देखा ना, चलिए अब उसको छोड़िए। मैं पहुंच गई शॉपर्स ड्रग मार्ट और लिया फॉर्म, एंड यस आई एम टेकिंग माय सेकंड शॉट फॉर कोविड-19। तो यही बात थी, तो इसलिए मैंने इसको पहले डिस्क्लोज नहीं किया, बिकॉज पहली बार ही कर दिया था तो उसके बाद ना बड़े अड़ंगे आ गए थे। आपको याद है ये वही जगह है जहाँ मैंने देखी ये पहले वाला जो शॉट का पिक्चर भी ऐड किया है। तो जब तक यार मजूमदार जो है फॉर्म भर रहे थे, इस बारी मैंने फॉर्म नहीं भरा, तो मैं तब तक क्या कर रही थी, ये देखिए मैं बच्चों के जो टॉयलेटरी सेक्शन होती है ना, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए बेबी शार्क का नया दिखा मुझे, और भी कुछ कुछ और भी दिखे, तो बेबी शार्क और ये वाला डव मैंने यूज़ किया है फॉर माई कनेडियन फ्रेंड, इट्स वेरी नाइस। सो होए हैप्पी हैप्पी होए, मैं ये वाला गाना भी गा रही थी, और बेबी शार्क को देख के बेबी शार्क डुडू 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 डुडू। तो मुझे याद आ रहा था पिछले बार का कोविड वैक्सीन के बाद का जो आफ्टर इफेक्ट, माय गॉड कितना बुखार आ गया था, बट होपफुली इस बारी ऐसा कुछ ना हो। तो अब फॉर्म भरने के बाद मैं खड़ी हो गई क्यू में जमा करने के लिए, एंड देन आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म आई जस्ट लाइक दिस यू नो बॉडी वॉश ऑफ द टॉडलर्स। और इस बारी फिर से मैं वही राइट हैंड में लगाऊंगी, और अब जो है दे हैव कॉल्ड माई नेम, सो आई एम गोइंग इनसाइड। डर वगैरह नहीं लग रहा था, बस वही पोस्ट इफेक्ट ना हो, वही मैं सोच रही थी। तो और पता है जो जिन्होंने मुझे लगाया था, मेडिकल असिस्टेंट वाज द सेम लेडी, बहुत अच्छी थी। तो इस तरह से लग गया, एंड आई हैव बीन जैब्ड फॉर माय बोथ द वैक्सीन्स, ये। तो बस अब मैं आपको दिखा रही हूँ, यस आई हैव डन इट, मेरे को दोनों शॉट्स लग गए। अब उन्होंने 15 मिनट वही वेट करने के लिए बोला है, फिर वो लोग वही सर्टिफिकेट देंगे, तो मैं बैठी हूँ अभी। तो जब तक के लिए मैं यहाँ पे 15 मिनट वेट करती हूँ, आप लोग जाके देखिए कि किस तरह से मैंने प्री मील प्लानिंग प्रेप्स और जो है क्या क्या बनाया वो सब आप देख लीजिए। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि घर जाके जो है किसी के ऊपर बर्डन नहीं होगा, खाना क्या है क्या नहीं मैंने सभी पहले से अरेंजमेंट कर लिया है। तो जब तक मैं 15 मिनट यहाँ बैठती हूँ, आप लोग जाके देखिए क्या क्या हुआ। तो मुझे प्रीवियस व्लॉग में ये भी पूछ रहे थे कि ग्रोसरी से माला आप लोग उस दिन टॉय हॉल से क्या लाए, तो देखिए मैं ये वाला उनके लिए एक कॉफी टी मैंने जो कैफे है उन लोगों का, जो ट्विंस कैफे उन्होंने नाम रखा है, वो लिया, और ये ब्रांच और पॉपी फॉर नंदू लिया। और ग्रोसरीज में आई टमाटर, केले, सूजी, दही और चावल, मसूर दाल, पनीर, आटा, प्याज, आलू। पनीर इज मस्ट, आप देखते होंगे अभी तक मेरे ग्रोसरी में प्रोटीन बहुत रहता है, एंड यस दिस इज स्टीविया, हम लोग बिल्कुल चीनी नहीं लेते हैं। और बच्चों के लिए आई उनकी नेस्क्विक आयरन पाउडर। इसके बाद जो बारिश का सीजन चल रहा है ना, बस विन शुरू हो गए, बस पहले आप इस तरह दोनों बोल रहे, पहले तू जा बाहर इस तरह से करके नंदू जो है थोड़ी सी ब्रेव हो गई और वो जाकर बाहर रखने लगी। तो इस तरह से पता है ट्विंस को प्लांट केयर भी मैंने अभी से सिखाया है कि सी यू हैव टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स, एंड यस दे डू लव प्लांट्स। तो देखिए इस तरह से वो लोग रख रहे हैं, और क्या बारिश चल रही है आजकल, माई गॉड। और उनके छोटे छोटे हाथ से देखिए मेरे सारे पौधों को, ये वाले पौधे हम लोगों ने रखे हैं, सबको पानी भी मिल गया। देखिए मौसम लग रहा है ना कोई हिल स्टेशन। सो रेन रेन गो अवे।
दावे के बाद अब चलते हैं और देख लेते हैं मैंने किस तरह से मील प्रेप की, कैसे प्लानिंग की ताकि शॉट लेने के बाद अगर मुझे बुखार या दर्द हो तो भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो बना लेते हैं एक झटपट और बहुत यमी वन पॉट चिकपी पनीर मील। इसके लिए आपको चाहिए बहुत कम चीजें, देखिए गार्लिक, अनियन, टमाटर। चनों को पहले से उबाल लीजिएगा, चावल भिगो के रख लीजिएगा और ये जो चने उबले जो पानी है उसको मत फेंकिएगा और लगेगा धनिया पत्ती। तो इन सब थोड़ी बहुत चीजों से एक बन जाएगा एक यमी वन पॉट मील। और यस, फ्रेश गार्लिक तो इज मस्ट और गरम मसाला में वही सब कुछ जो है और थोड़ा सा जीरा चौंक, ठीक है। तो ये सब चीजें पहले से लगा लीजिएगा, असेंबल कर लीजिएगा। अब डालेंगे कुकर में तेल और गरम मसाला, फिर डालेंगे प्याज, टमाटर, कुटा हुआ फ्रेश गार्लिक और इसको अच्छे से आपने भून लेना है। पता है ये वन पॉट मील भी बहुत टेस्टी है, मुझे मालूम है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको वन पॉट मील मेरी बहुत पसंद आती है, तो ये वाला भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब डाल दिए मैंने इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, आलू और उबले हुए चने। इन सब मसालों के साथ मुझे दिखा थोड़ा सा पनीर, तो एज यूजुअल प्रोटीन इज मस्ट, तो मैंने थोड़े से डाल दिए पनीर भी इसमें। और इस तरह से पनीर डाल के कोई भी मील आप इस तरह से वन पॉट बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और पानी का रेशियो आपको याद है ना, एक कप चावल तो सवा कप पानी। तो इसमें पहले इसको भूनकर आप डालिएगा उबले हुए चनों का पानी, उसके बाद अगर पानी कम पड़ता है तो फिर आप जो है प्लेन नॉर्मल पानी डाल दीजिएगा। अब डाल दीजिए जब सब भुन जाए अच्छे से लास्ट में भिगोए हुए चावल और उबले हुए चने का पानी और फ्रेशली कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ती। इस तरह से धनिया पत्ती जो है आप ग्लास में पानी में भिगो के फ्रिज में रखिए, आपके 10 दिन भी बहुत फ्रेश रहेगी। तो ये एक और टिप हो गया, मैं ऐसे ही रखती हूँ। और फिर डाल दीजिए लास्ट में धनिया पत्ती और कुकर को कर दिया मैंने बंद। और मुझे ज़रूर बताइएगा ये वन पॉट मील आपको कैसी लगी। और मुझे मालूम है आप लोगों को ऐसी जुगाड़ू रेसिपीज जो है तो इंतज़ार में आप लोग रहते हैं, तो ये लीजिए पेश है आपके पास यमी वन पॉट मील, चिकपी पनीर वेजी पुलाव टाइप, पुलाव तहरी जो बोलिए। और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इसको मैंने बना के रख लिया और आज जो है आफ्टर वैक्सीनेशन में आने के बाद इनको यही खाने दूंगी। सो आफ्टर दिस वन पॉट मील, सुबह सुबह मैं ये सब बना रही थी तो फिर मैंने ले लिया अपना होल ग्रेन जो वीट का पास्ता, ये भी ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। एंड आई वाज यू नो मच टेंस्ड फॉर माय इंजेक्शन थिंग, सो मैंने सोचा यही बना लूँ। तो पास्ता को बॉईल करके उसका पानी जो है थोड़ा सा रख लीजिएगा और उसके बाद पास्ता में मैंने इस तरह ऑयल ब्रश करके उसको रख दिया। अब पैन में डाला थोड़ा सा ऑयल और डाले कटे हुए अनियन, थोड़ा डाला गार्लिक, उसको अच्छे से थोड़ा सॉटे करने के बाद यहाँ पे जो रेडीमेड पास्ता सॉस मिलता है ये वाला मशरूम का इस बारी लाए हैं हम लोग, ये डाल दिया। और वो जो लेफ्ट ओवर पास्ता का जो पानी है वो डाल दिया थोड़ा ग्रेवी के लिए। और बॉइल्ड पास्ता ऐड करके इसमें डाला नमक और ओरिगानो, ये चिली फ्लेक्स है वो यार मजूमदार ऊपर से ले लेते हैं। फिर डाला दो स्लाइस चीज़ का, इस बार मैंने मेयोनीज नहीं डाला, इनको चीज़ी पास्ता बना के देने का मन था। तो सुबह सुबह देखिए मेरे उठकर ये दोनों मील्स हो गई, देखिए दोनों ही मील्स झटपट थी, यही प्लानिंग थी मेरी कि झटपट हो और यमी हो। एंड यस आई एम डन, फाइनली आई हैव बीन जैक्ड फॉर बोथ द डोजेस, दोनों डोजेस हो गए, देखिए यू हैव रिसीव टू वैलिड डोजेस। तो यस आई एम फुली वैक्सीनेटेड, इस खुशी में चलते हैं मेट्रो। और आई होप आपने दोनों रेसिपीज देख ली होंगी जो मैंने पूरे दिन के लिए अपनी फैमिली के लिए तैयार की है। एवरीथिंग इज बीन सॉर्टेड, अभी अगर दर्द विद भी होता है तो कोई बात नहीं बिकॉज बच्चे लोगों को टाइमली खाना मिल जाएगा। तो अब चलते हैं मेट्रो, ले लिया है से घर जाके मिलती हूँ। अभी तक तो टच वुड कुछ दर्द वर्द हो नहीं रहा है, बट देखते हैं रात में, मैं तो रात का ही वेट कर रही हूँ। तो अब चलते हैं सीधे घर। Yeah, I'm showing to both. I got my second shirt. चना पनीर और आलू के साथ जो मैंने वन पॉट मील फिर बनाया है ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। कभी भी कुछ बहुत स्वाद वाला खाना खाना हो और आपके पास हो टाइम कम तो इसको जरूर बना के ट्राई करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं सामान वगैरह सब रख देती हूँ, विंज कर लिया है। ओ हाँ, बिफोर आई कंक्लूड माई व्लॉग आई वॉन्ट टू शो यू वन मोर थिंग, आइए तो देखिए। फॉर सेफर साइड कल मैंने आलू बीन्स की भाजी भी बना के रखी है, लहसुन का चौंक, देखे मैं इसका रिकॉर्ड लेना भूल गई और कल थोड़ा सा टेंशन में भी थी कि सब कुछ कर सकूँ टाइमली। और मसाला भिंडी भी बना के रखा हुआ है, तो इनको फॉर सेफर साइड कल का भी सुबह का नाश्ता पराठा वगैरह बन जाएगा, वो तो ईजिली हो जाएगा। तो ये सब ऑल डन। हाँ एक और बात है, घर में आओ ना तो काम ही काम दिखता, अभी मुझे ये इंजेक्शन नहीं दिख रहा है। ये देखिए ये धनिया, पेपरकॉर्न्स,
इसमें जीरा भर के रखा था कल रात को करना भूल गई थी, काम बहुत था। ये सब भी पीसूंगी, साथ में मेरे ओट्स का आटा भी खत्म हो रहा है, वो सब भी करूंगी, ये आराम से करूंगी। अभी थोड़ा सा बैठती हूँ, कॉफी वगैरह पीती हूँ, अभी भी ठीक लग रहा है, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा दाल भी बिठा दे रही हूँ ताकि कल दोपहर का इन लोगों का हो जाए। एक और बात, थैंक यू सो मच आप लोगों को, मेरा वो जो लौकी का मुठिया वाला जो मेरे दिल से कुछ बातें जो निकली थी आप लोगों को पसंद आई, और आप लोगों के मुझे बहुत सारे मैसेजेस इंस्टा में आए हैं कि आप लोग भी कुछ कुछ इस तरह से अपनी चीज़ें जो है ना जमा करके रखते हो, जैसे अपने माँ के शादी की बनारसी किसी ने लिखा है मैंने रखी हुई है, तो मेरी माँ की बनारसी भी मेरे पास है। तो थैंक यू सो मच मेरे उस व्लॉग को सराहने के लिए, और लौकी का मुठिया जो है मुझे कई आंटीज़ की मैसेजेस आई हैं कि उनको बहुत अच्छी लगी बिकॉज इट वॉज कम्प्लीटली वेज, और मैंने जो ज्वारी का ऑप्शन दिया था वो भी उनको अच्छा लगा। और पता है मैं क्या करने वाली हूँ, नेक्स्ट टाइम जब लौकी का मुठिया बनाऊँगी ना मैं उस पर ओट्स का आटा दे के बनाऊँगी, देखती हूँ कैसा क्या होता है, अगर अच्छी बनी ख़राब बनी जो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये भी है ग्लूटेन फ्री लौकी के मुठिया, क्या एक्सोटिक लग रहा है ना। आप लोगों को मेरी मील प्रेप और किस तरह से मैंने शॉट लेने के पहले से खाना वीना का सब प्री ऑर्गेनाइज करके रखा है, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो और कैसा लगा है मुझे ये दोनों चीज़ कमेंट पे ज़रूर करके बताइएगा। और जो लोग ऐसे करके कोविड इंजेक्शन के लिए जाना चाहते हैं आप लोग भी ऐसे करके तैयारी कर लीजिए, फिर क्या है ना आने के बाद दर्द में बच्चे लोगों को अगर भूख में देर मतलब भूख लग जाए खाना ना बने तो बहुत ख़राब लगता है ना, तो वो सब आपको नहीं करना पड़ेगा, तो ये सब आप भी कर सकते हैं। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आप लोगों को जिस जिसका दो शॉर्ट्स हो गया है मुझे फीडबैक कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को एक्सपीरियंस कैसा रहा है। यस मैं रात के वेट के लिए हूँ कि भगवान अगर दर्द देता भी है तो उसको सहने की शक्ति जो है डबल मुझे दे दे, लेकिन पता है मैं इस बारी थोड़ी सी प्री प्रिपेयर्ड हूँ, एटलीस्ट खाना वगैरह बन गया, पिछली बार याद है ना आपको यार मजुमदार के ऊपर सब पड़ गया था, तो आई डोंट वॉन्ट हिम क्योंकि उनका ऑफिस वगैरह रहता है बाहर की इतनी सारी चिंताएं रहती है, तो मैंने इसलिए इस बारी सब कर दिया। कल रात को थोड़ा सा बहुत हौच-पौच हो गया था, बहुत काम करना पड़ा तो इसलिए ये सब पीस भी नहीं पाई, इनको मैं अभी कर दूंगी। तो चलिए अब जाने की बारी आ गई है, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, एंड जो व्यूअर्स मुझे ऐसे ही देख रहे हैं अब देखिए माला को दो शॉर्ट्स हो गए हैं, आप लोग भी शॉर्ट कर दीजिए, किसमें उस रेड बटन में सब्सक्राइब कर दीजिए। सो जाने की बारी आ गई है, जाते जाते फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए फिर दूसरों के लाइफ में, अपना खूब ख्याल रखिए, अपने से खूब प्यार करिए। तो चलिए अब चलती हूँ, बाय 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 बाय, लव एंड लाइट विद माला।